नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज़। दोस्तों, पिता का और बेटे का कितना अहम रिश्ता होता है ये आप सभी जानते हैं। और आपको बता दें कि पामूराम गोंदर जो कि पूर्व विधायक नीलोखेड़ी से, जो कि जिनकी लगातार 3 साल से जो है पुण्यतिथि पर उनका जो बेटा है वो लगातार उनके नाम पर, बता दें कि रक्तदान शिविर जो है वो लगाते हैं। और हमारे साथ में उनके जो बेटे हैं राजीव गोंदर इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और लगभग 29 सितंबर में, आपको बता दूं 29 सितंबर का बड़ा अहम दिन है जिस दिन जो है रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और जहां पर हजारों लोग आकर जो है उसमें भाग लेने वाले हैं। पूरी बात जो है वो करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने पिता की पुण्यतिथि पर? आप लगातार 3 वर्ष से जो है ऐसे ही रक्तदान शिविर लगाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप जो है आज मेरे इंटरव्यू के लिए आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आगामी 29 सितंबर 2023 को, दिन शुक्रवार है, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मामूराम गोंदर जी की तृतीय पुण्यतिथि जो है हम लोग कर रहे हैं। इस दिन जो है एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें बहुत से राजनेता, धार्मिक संस्थाएँ और सामाजिक संस्थाएँ जो हैं हिस्सा लेंगी। उनके संघर्ष के जो साथी हैं या उनके जो पारिवारिक रिश्ते के साथ जो उनके मित्र हैं वो सभी वहाँ पहुँचकर उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को और विशेषकर जिला करनाल निवासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पहुँचकर हरमन प्यारे पूर्व विधायक नीलोखेड़ी स्वर्गीय मामूराम गोंदर जी को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, क्योंकि इस दिन जो है हर साल की भांति इस साल भी जो है एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन दर्पण जी किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है हम लोग आई जो एक कैंप है, आई चेकअप कैंप जो है वो भी लगाएंगे। उसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया जाएगा जिसमें जो है सिविल हॉस्पिटल करनाल की टीम जो है जिसे कंडक्ट कर रही है। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टर आ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से सही सभी से निवेदन करूँगा कि आगामी 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार है, आप भी KS फूड्स राइस मिल गोंदर गांव में पहुंचकर जो है पिताजी को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करें, ताकि जो है मैं सौभाग्यशाली महसूस करूं क्योंकि आज मेरे पिताजी हमारे बीच में नहीं है। अगर आप मेरे पिताजी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आएंगे तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो है मेरी तरफ से भी उन्हें एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो लोगों से भी कहना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और रक्तदान शिविर जो है वो लगाएं। जी मैं उसमें भाग लें। और जी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा आम जन से भी कि वो भी जो है इस दिन KS फूड्स राइस मिल गोंदर में पहुँचकर आप सबके हरमन पूर्व विधायक स्वर्गीय मामूराम गोंदर जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। बिल्कुल, और आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर आई टेस्ट भी होने हैं, रक्तदान शिविर भी लगाया जाना है, जनरल जो है बॉडी के वो टेस्ट वो भी फिलहाल किए जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी आसपास के गाँव के लोग हैं वहाँ पर ज़रूर पहुँचें 29 तारीख को जो है सितंबर 29 सितंबर को। ये तारीख आप भूलिएगा मत सर। समय क्या रहेगा, इस समय से लेकर किस समय तक? सुबह 9 बजे जो है रक्तदान शिविर जो है शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है स्वास्थ्य जांच का और आई जो है चेकअप कैंप है वो भी शुरू हो जाएगा, और ये लगातार लगभग 2 बजे तक चलेगा, और श्रद्धांजलि सभा जो है वो 11 बजे से लेके 1 बजे का समय रहेगा। तो यहाँ पर जो समय फिलहाल बताया गया है सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय है, और बता दें कि यहाँ उस दिन काफ़ी जो महान जो बड़ा एक भंडारा भी जो है वहाँ पर वो लगाया जा रहा है। तो भंडारा भी सर किया जा रहा है, काफ़ी सारे ज़्यादा लोग। बिल्कुल सभी के लिए जो है वो भोजन की व्यवस्था बहुत ही अच्छे से की गई है परिवार के द्वारा, और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ और जो है पिताजी को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। बिल्कुल आप सभी से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और फिर से जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।